नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों आज हमारे पास ये एक स्पीकर आया है और इसके अंदर हमें क्या है ब्लूटूथ वाला बनाना है इसे। ये अभी नॉर्मल जो है हमारा जो मेमोरी कार्ड और यह हमारा जो है FM पे चलता है खाली, तो इसको हमें BT करना है। ये नॉर्मल है अभी, देखिए तो देखिए अभी इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है और खाली ये नॉर्मल है, तो इसके अंदर BT लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ओपन करने में इसके अंदर क्या क्या हार्डवेयर हमें मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों अंदर से कुछ इस तरीके से है ये, देखिए ये इसका बोर्ड है और ये इसके अंदर यहाँ बैटरी लगाया हुआ है देखिए। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके से, मैं आपको एक बार लाइट जला देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है जो हमारा ये डायोड साइड में लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस लगाया है यहाँ पर LED साइड में, यानी कि ऑन करने के बाद जब ये LED जले तो उसके हिसाब से ये लगाया गया है। तो इसके अंदर अब BT का देखता हूँ मैं, BT किस तरीके से लगाया जाएगा, फिर मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि BT इसमें कैसे हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वाले कार्ड में जो है BT की चिप लगाई, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करी क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं दे रखे हैं, और अगर डायरेक्ट हम चलाते तो इसके अंदर USB नहीं चलता, फिर खाली हमारा ब्लूटूथ चलता। तो हमने इसके अंदर इस तरीके से एक ये वाला ब्लूटूथ किट लगा दिया पीछे, और इसके अंदर आपको पता ही है कि बैटरी का कनेक्शन और हमारे स्पीकर का कनेक्शन होते हैं, तो हमने इसकी बैटरी और स्पीकर का कनेक्शन लगा दिए हैं और अब हमारा ये स्पीकर वैसे ही काम करेगा। BT भी बन गया है, पहले नॉर्मल था ये देखिए, तो एकदम बढ़िया काम करेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।